हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। मैं रत्नाकर से आप सभी का स्वागत करता हूं आरएन एजुकेशन फाउंडेशन में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स। पिछले वीडियोस में हम फिजिक्स में क्या कर चुके थे, फिजिक्स में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन खूब अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके थे, ओम्स लॉ के बारे में जान चुके थे और उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ाते हुए चलेंगे व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर का क्या हो जाएगा एंड उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे सर? क्वेश्चंस हम करने वाले हैं यहाँ में, इसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं NCERT, ओके, NCERT एग्जाम्पलर और आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं वो। तो आई होप आप लोग पिछली वीडियोस देख के आए होंगे। इस वीडियोस देखने के पहले आप पिछली वीडियोस देख के आए ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ाया जाए वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। ठीक है, देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट क्या होता है, ध्यान से देखिए कि मेरे भाई। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट में We know that when we switch on electric heater or electric lamp, it becomes hot. देखो जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब को कभी ऑन किए हो, ऑन तो सभी करते हैं भाई, सबके घर में होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। तो जब बल्ब ऑन करने के बाद थोड़ा ऑफ करके जाओ तो वो बल्ब को टच करो तो आपको हीट मतलब लगता है, मतलब गर्म हो जाता है बल्ब ना, बल्ब जो होता है वो उसमें हीट हो जाती है, थोड़ा हीट हो जाता है ना। फिर घर में सबके आजकल तो सबके पास इंडक्शन हो गया है, नहीं तो सबसे पहले उससे पहले क्या था, हीटर था। तो हीटर पे सबके यहाँ भोजन बनता था, है ना। तो वहाँ पे हीटर में क्या होता था, हम स्विच ऑन करते तो हीटर गर्म हो जाता था, है ना। ऐसा क्यों? यही सब तो है हीट इफेक्ट ऑफ करंट थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर। इसमें क्या बिकम्स दिस सो दैट जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर लाइक अ फिलामेंट और अ बल्ब एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेट अस सी हाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। हम इस लेक्चर्स में जानेंगे कि हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे ध्यान से देखिएगा, इसमें इसको एक बार अच्छे से पढ़ते हैं फिर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं आखिर में होता क्या है। देखिए इसमें क्या लिखा है, वी नो दैट मेटेलिक कंडक्टर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि सभी मेटेलिक कंडक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं फ्री स्टेट में, बिल्कुल। दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन अ कंडक्टर, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं उस कंडक्टर में, है ना। व्हेन द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द सोर्स, जब उस कंडक्टर को हम बैटरी या किसी सोर्स से जोड़ते हैं या फिर किसी करंट उसमें करंट का एक्चुअल में सोर्स क्या है उसमें करंट का फ्लो कराते हैं किसी भी कंडक्टर में ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ ड्राई सेल से द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिगेंस, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं टू द ड्रिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। देखो अभी ध्यान से देखना यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एक कंडक्टर है, क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर के इस वाले वर्टिस इस वाले पार्ट को हमने जोड़ा पॉजिटिव पोल से, इसको जोड़ा नेगेटिव पोल से और इसको हमने जोड़ दिया नेगेटिव ऐसे, ठीक है। अब ये तो हमारा हुआ पॉजिटिव टर्मिनल, ये हुआ हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाबू नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, लेकिन ये रैंडमली मोशन करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हुए जाएंगे, कोलाइड होते हुए जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, ठीक है। तो वही इन्होंने बोला है, और जब ये क्या जाते हैं, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर ऑफ द नॉट स्मूथ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो स्मूथली नहीं जाते, वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, रैंडमली टकराते हुए जाते हैं। व्हिच एटम्स आर ऑफ कंडक्टर विद ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर टू द एटम्स और आयन्स, ठीक है। द एटम्स वाइब्रेट विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड अबाउट दियर मीन पोजिशन, हिंस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द एटम्स इंक्रीजेज, द इंक्रीजेज इन द एनर्जी ऑफ द एटम्स इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, दस हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर। ये नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं ऐसा। अभी जब हम पिछले डायग्राम में थे उसको देखो, पिछले डायग्राम में क्या थे हम, यही मैंने क्या बताया, यहाँ पे अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, क्या मेरे भाई, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर में हमने क्या फ्लो कराया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो करंट इधर से आएगा, ठीक है, आएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स गए ये तो मोशन में है, मोशन में है तो इनके पास है काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना।
अच्छा इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स तो एटम में होते हैं, और एटम किसका होगा? इस कंडक्टर का होगा कि नहीं होगा? अरे सपोज इट आयरन का कंडक्टर है, ठीक है, आयरन को, तो इसमें आयरन के एटम पाए जाएंगे ना, तो एक एटम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एटम में मोशन करेंगे और वो एटम भी मोशन करने लगेगा, और जब एटम्स मोशन करेंगे रैंडमली, यहाँ पे सपोज इट ये एक एटम हुआ, एटम ये क्या हुआ, अपने मेन पोजिशन से ऊपर नीचे या फिर दाएँ बाएँ मोशन करने लगता है ऐसे ऐसे करके जल्दी, ठीक है, जिसमें एनर्जी आ जाती है, लाइट एनर्जी आ जाती है, फिर जिसमें सेल जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो क्या है हमारा एटम है, ये रैंडमली अपने मेन पोजीशन के इधर उधर मोशन करने लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है, ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है इसके अंदर, फिर ये भी ऐसे ऐसे करने लगता है, और ऐसे ऐसे पूरे कंडक्टर में काइनेटिक एनर्जी किस पे कन्वर्ट हो जाती है, जब ये एक दूसरे को रब करते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी ही कन्वर्ट हो जाती है वो हीट एनर्जी में, किस में, हीट एनर्जी में। नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं। देखो रिलेट करके चलो, सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, मोशन किए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मोशन किए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे तो ये तो पूरे एटम्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, और पूरा एटम्स क्या करता है, उसके जो छोटे छोटे टिनी एटम्स होते हैं वो अपने मेन पोजीशन के दाएं बाएं मोशन करने लगते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जो टोटल एटम्स हुआ वो किसके, उसकी काइनेटिक एनर्जी किसी के ट्रांसफर हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स थी वो ट्रांसफर हुआ पूरे एटम की काइनेटिक एनर्जी, और ये एटम्स की काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर किस में हो गई, ये जो ट्रांसफर हो गई किस में, हीट एनर्जी में। सीधी सीधी बात, अगर इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी आपके हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, बस इतना आपको जानना है, और हीट एनर्जी कहीं से अलग से नहीं आता मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो अब ये किस पे डिपेंड करती है, इसको भी जान लेते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर थ्रू द विच इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस द कंसीडर अ कंडक्टर ए बी। सपोज दैट हमारे पास ए बी कोई कंडक्टर है, कनेक्टेड टू अ सेल, एक सेल से कनेक्टेड है। अभी एक फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे फिगर दिखेगा आपको, ये इस फिगर की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, वी नो द पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, इफ डब्ल्यू बी द वर्क डन ऑफ द कैरी एंड द चार्ज जी फ्रॉम द वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर। देन देखो अभी क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर क्या है, एक कंडक्टर हमारे पास ए और बी हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर को एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, ये आपको सामने से दिख रहा है, और जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वी, तो यहाँ के दोनों अक्रॉस द इन दोनों इस कंडक्टर जो हो जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, वी हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। इतना समझ में आ गया, बिल्कुल। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। यहाँ पे वर्क डन किसका हुआ, ये वर्क डन हो रहा है किसमें, एनर्जी के फॉर्म में, अरे हाँ या ना। तो जब यहाँ पे वी जो क्लू डब्ल्यू अपॉन क्यू हो गया, तो हमें पढ़ा है कि वी जो क्लस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो डब्ल्यू इधर है, डब्ल्यू जो क्लू क्यू इंटू वी हो जाएगा, तो यही इन्होंने किया है, वी डब्ल्यू जो क्लू टू वी इंटू क्यू। अच्छा बिल्कुल सही है सर, जब यहाँ पे V जो कल्लू क्या आ गया मेरे भाई, W अपॉन Q आ गया, तो यहाँ पे W जो कल्लू क्या आ गया, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। अच्छा सर, Q इंटू क्या होता है, Q जो कल्लू क्या होता है भाई, I इंटू टी, I इंटू टी, तो यहाँ पे W जो कल्लू क्या आ गया, V I T। मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, ये एक वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट, अच्छा V जो कल्लू क्या होता है, I R होता है, वी जो कर्स क्या होता है, आई आर होता है, तो वी की वैल्यू फिर इसमें रख दो, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी वी, वी की वैल्यू रख रहे हैं ना, ये हो जाएगी आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, ये क्या हो गया, ये हो गया आई स्क्वायर आर टी,
ये हो गया W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा ये वर्क डन किस में, ये जो वर्क डन हो रहा था पोटेंशियल, ये जो वर्क डन हो रहा था वो किस पे हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा था। क्योंकि हम जो वर्क डन करते हैं, क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ा है खूब अच्छी तरीके से कि हम जो वर्क डन करते हैं वही तो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और यही एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा, और वो एनर्जी किसके फॉर्म में जा रही है, काइनेटिक सॉरी हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो ये एनर्जी क्या हो गई, हीट एनर्जी। एच इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। एच स्क्वायर एच इक्वल टू क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी। तो मतलब हीट जो होता है, अगर इस किसी भी कंडक्टर में अगर हम इंटेंसिटी ऑफ करंट फ्लो कराएंगे, मतलब करंट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो उसमें हीट भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ा फिर भी हीट बढ़ेगी, टाइम बढ़ाएंगे जितना टाइम तक हम उसमें करंट का फ्लो कराएंगे उससे ज़्यादा उसमें करंट हीट निकलती जाएगी। जैसे 5 मिनट तक कोई बल्ब ऑन करो और 10 मिनट तक बल्ब ऑन करो, देखो 10 मिनट वाला बल्ब ज़्यादा हीट होता है ना कि 5 मिनट वाला, ठीक है। जैसे करंट जिस किसमें 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, किसी में 10 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो देखेंगे आप कि जिसमें 10 एम्पियर का फ्लो हो रहा है उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और ऐसा आपने जिसका ऐसा लिया है जिसका रेजिस्टेंस का ज़्यादा है, और एक वायर ऐसे लिया जिसका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आपकी हीट ज़्यादा निकलेगी, जब रेजिस्टेंस कम है तो हीट कम निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, वही इसमें लिखा है, एक बार फिर से देख लेना। यहाँ पे देखो एच एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया, आई इक्वल टू वी वाई आर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू एक बार फिर से वी स्क्वायर अपॉन आर, नहीं समझ में आया। देखो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने लिखा एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लिखा, ठीक है। तो देखो हमें ओमला क्या बताएं, ओम अंकल बताएं, तो वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, वी अपॉन आर। तो वैल्यू रख दो तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू इसमें रख दो उठा के, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर से आर कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आया वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। यही एच की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू और हमें मिल गई। तो H की वैल्यू क्या मिल गई है, एक तो H की वैल्यू मिल गई वी आई टी, ठीक है, एक मिली H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मतलब तीन वैल्यूज हमें मिल गई। तो इन तीनों फार्मूलों को आप अपने जुबान पे रखे रहिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इसको क्या कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा क्या कर देता हूँ, बड़ा, तो शायद दिखने लग जाए, ठीक है। तो ये आपके पास कितने रिजल्ट मिले, ये आपके पास ये जो तीन रिजल्ट दिख रहे हैं ये आपको रटे होने चाहिए, इसके अलावा आपके न्यूमेरिकल में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, आगे क्या है, जूल्स ला। देखिए जूल्स ला में क्या बोला था, जूल्स ला में हमें अभी देखिए, अभी हमने एक्सप्रेशन एक पढ़ा, क्या पढ़ा, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है ना, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पढ़ा। देखो अब यहीं से रिलेट करके जूल्स अंकल ने यही बताया था जूल्स अंकल ने। तो उन्होंने क्या बताया, देखो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है मेरे भाई, उसमें जो क्या होगा, उसमें जो अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो देखिए ये अगर हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, ये इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस आर है, और टाइम टी तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको देख के, इसमें एक्सपेरिमेंट करके जूल्स अंकल ने हमें यही बताया कि इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी एच, वो इसमें फ्लो होने वाले करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यही तो लिखा है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब ये अपने आप में फ्लो होने वाले करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हो गया आपका। सेकंड क्या बोला है, द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, मतलब एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, मतलब उस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितने टाइम तक ये जो फ्लो हो रहा है करंट उस कंडक्टर में, ठीक है। तो सबको कंबाइन करके एक्चुअल में देखा जाए तो ये यहीं से निकला है, ठीक है। तो सबको अगर हम कंबाइन किए तो यहाँ पे क्या आ गया, तीनों को कंबाइन करने के बाद H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी आ गया। और H, अब कोई अगर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, इसको नाम दिया K, और K को बोलते हैं क्या, जूल कांस्टेंट। और ये क्या हुआ, K की वैल्यू 1 रखने पे क्या हो गया, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। और हाँ, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल, ठीक है। तो इट इज़ नोन एज अ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये जो हमारा है इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ तक बहुत चीज़ें आसान थी। हमने जूल्स लॉ में क्या पढ़ा, जूल्स अंकल ने हमें ये बताया कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस आर है, तो वो उसका उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो उसमें फ्लो होने वाले करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट उसमें उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसमें जितना टाइम तक करंट फ्लो हुआ उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं और आगे थोड़ा, ठीक है। आगे क्या जानेंगे, इलेक्ट्रिक एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। आपके सामने एक न्यूमेरिकल दिख रहा है, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस पे बेस कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके एग्जाम में। क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम। रेजिस्टेंस मतलब आर की वैल्यू दे रखा है। आर की वैल्यू क्या दे रखा है मेरे भाई, 500 ओम, ठीक है। नेक्स्ट थ्रू द मेन सप्लाई फॉर 30 मिनट। क्या मिला है, टी की वैल्यू क्या दिया है, 30 मिनट, ठीक है। इफ 5 एम्पियर करंट फ्लोस थ्रू द फिलामेंट, करंट का फ्लो कितना हो रहा है, 5 एम्पियर। फिलामेंट द कैलकुलेट द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन द हीटर। तो हीट एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, तो हीट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मतलब हमें एच की वैल्यू निकालनी है। अब हीट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फार्मूला पड़ा है फ्रॉम जूल्स लॉ, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। एच इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने, आई स्क्वायर आर टी। रख द वैल्यू क्या करनी है, एच इज इक्वल टू आई की वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 500 है, इंटू टी की वैल्यू कितना है 30 मिनट है। हाँ या ना, ठीक है। अच्छा क्या ये अगर मैं बताऊं 30 मिनट को आवर में नहीं कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये वाट मतलब हमें इसमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको क्या चाहिए, आवर में चाहिए। किस में चाहिए मेरे भाई, आवर में। तो हम इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, ओके। चलिए तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक, 3 2 60 हो गया, 32 60 हो गया, इंटू 500 हो गया अपॉन इंटू 2, 25 5 125 हो गया, 00 और अपॉन 2 हो गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 6 12, 2 2 4 एंड 20, ठीक है। 2 6 12, 2 2 4 और 2 5 10 होएगा, है ना, ये तो गड़बड़ हो गया। ये हो जाएगा 2 5 जा, ओके, 6250 कितना हो गया, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, ये 6250 क्या आ गया हमारे पास, जूल। क्या आ गया, जूल। ये आपकी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। क्या आ गया मेरे पास, एनर्जी। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी तो हमने बस एक रैंडमली बता दिया क्वेश्चंस, अभी क्या करने हैं, अभी आपको जब प्रीवियस ईयर आए हैं उसमें देखना कितने आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या होता है उसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। आपके सामने स्लाइड दिख रही है, इसमें देखिए पढ़ते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या होती है ध्यान से देखना मेरे भाई। इसमें क्या लिखा है कि द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन अ करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। फिर से पढ़ो, द वर्क डन बाय द सोर्स, सोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा टू मेंटेन अ करंट, करंट को मेंटेन करने के लिए किसी भी सर्किट में, जैसे हमारे घर के सर्किट है, आप सबके घर में इन्वर्टर होगा, तो इन्वर्टर जो वर्क डन करता है पूरे सर्किट में लाइट मेंटेन करने के लिए, वो उसका क्या कहलाता है, वो वर्क डन किया इन्वर्टर ने। और हमने पढ़ा है कि जो वर्क डन होता है वही एनर्जी का फॉर्म होता है, वो क्या हुआ, उसकी एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, ठीक है। इसको हटाओ, ये तो चलो हम वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं किसी भी सर्किट में। देखो किसी भी सर्किट का वर्क डन क्या होता है, W इक्वल टू V इंटू Q। ये कहाँ से है सर, क्योंकि V इक्वल टू क्या पढ़ा है, W अपॉन Q। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई, पढ़ा है। अच्छा Q बराबर क्या होता है बाबू, Q बराबर होता है I इंटू T, तो V इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू I इंटू T,
वी इंटू आई इंटू टी। अच्छा वी स्क्वायर क्या, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है इंटू आई इंटू टी। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया बाबू, आई स्क्वायर आर टी, हाँ या ना। और किया गया वर्कडन ही हमारा क्या है, एनर्जी है, तो किया गया वर्कडन ही हमारा एनर्जी होता है, मतलब ई हो जाएगा ई इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो जो वहाँ पे हीट होती थी वहाँ पे ये एनर्जी निकल रही है ना। अरे निकल रही कि नहीं निकल रही है भाई, देखो ये देखो यहाँ पे अभी ई बराबर वी आई टी भी बताया ना, यहाँ पे क्या किए हैं ई बराबर वी आई टी के अलावा भी कुछ कर दिए हैं ये। अरे यार काहे नौटंकी कर रहे हो तुम, देखो दिस वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम द इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। देखो अभी हमने पढ़ाया कि इज इक्वल टू क्या होता है वी आई टी, यही इन्होंने भी लिखा है, तो इसको हम और थोड़ा इनहेंस करेंगे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर होता है इंटू टी, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि आई इज इक्वल टू वी वाई आर होता है और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर सकते हैं इंटू आर इंटू टी, और यहाँ पे आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, मतलब वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी आ गया इज इक्वल टू ई, हाँ या ना। बिल्कुल आसान है कि नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप अच्छे समझ रहे होंगे तो। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी की, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में अब इसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो किलो वाट होती है, क्या होती है मेरे भाई किलो वाट। अच्छा मैं अगर बोलूँ एक किलो वाट में कितने, तो अगर मैं बोलूँ एक किलो वाट में तो आपको बताना है कितने वाट, 1000 वाट, क्या होता है 1000 वाट। वाट क्या है, एनर्जी का यूनिट, ठीक है, एनर्जी की यूनिट है वाट। अच्छा किलो में 1000, अच्छा मैं बोलूँ कि एक मेगावाट में, एक किलोवाट में 1000 वाट, एक मेगावाट में कितना होता है, एक मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक किलोवाट में, सॉरी एक सेकंड, जरा रुकना भाई जरा, देखना जरा, ठीक है। एक हॉर्स पावर में कितना वाट, अगर बोलूं मैं एक हॉर्स पावर, एक घोड़ा जिसको बोलते हैं, एक हॉर्स पावर में कितने शक्ति होती है, तो क्या होती है 746 वाट, ठीक है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट, 746 वाट। और कुछ बचा है, बिल्कुल नहीं बचा, अभी आगे हम और डिस्कस करते जाएंगे, आपको कोई दिक्कत कर, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अभी आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको इस चैप्टर में नई नई चीज़ें मिलती जाएंगी। ये सब डाटाज हैं, ये आपकी बुक में लिखी होंगी, एनसीईआरटी में लिखी होंगी, आप चाहे जहाँ से इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये लर्न होना चाहिए क्योंकि देखो ये भी मैंने बताया कि एक किलो वाट में कितने वाट, एक किलो वाट में 1000 वाट, और हाँ एक वाट में कितने जूल, एक जूल, ठीक है, एक जूल पर सेकंड, एक जूल पर सेकंड में कितना होता है एक वाट। वन जूल पर सेकंड की अगर बात हो रही है तो उसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, एक वाट की एनर्जी ट्रांसफर हुई, कितने वाट की, एक वाट की एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो एक घंटे में कितने होगी, 60 × 60 × 3600 सेकंड, ठीक है 3600 सेकंड होता है। तो अगर हम इसमें कैलकुलेट करें तो एक किलो वाट में कितने जूल आए, एक किलो वाट इंटू 1000 और मल्टीप्लाई किए 3600 सेकंड से, तो क्या हुआ 3.6 × 10 की पावर 6 जूल, ठीक है 3.6 × 10 की पावर 6 जूल आ जाएगा। ओके कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे एक किलोवाट में अगर देखा जाए तो ये आपको होना चाहिए, एक किलोवाट में अगर एग्जाम में आए कितने जूल, तो आपको याद होना चाहिए 3.6 × 10^6 जूल, 3.6 × 10^6 जूल। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। आप सभी को पावर पता है ना, पावर, पावर क्या होता है, पावर आप अच्छी तरीके से सीखे होंगे क्लास नाइन्थ में कि जो पावर होता है मेरे भाई, जो पावर होता है वो पर यूनिट टाइम में जितना वर्क डन कर रहे हैं, जितना क्या कर रहे हैं हम, पर यूनिट टाइम में जितना वर्क डन कर रहे हैं हम लोग, वो हमारी क्या होती है, पावर होती है। सपोज दैट हम एक सेकंड में कितने जूल, 4 जूल वर्क डन किए, तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है वाट, क्या होती है, वाट। बोलते नहीं कितने बल्ब, कितने वाट का बल्ब लेके आओ, तो वाट जो होता है वो आपकी पावर बता रही है, उस बल्ब की पावर बता रही है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, वाट। तो पर यूनिट टाइम में जो वर्क डन किया जाता है किसी सर्किट पे, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक पर यूनिट टाइम, ऑफ डब्ल्यू बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, डब्ल्यू क्यों लिए हैं, क्या हम ई ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो पी जो कल्डू क्या हो गया मेरे भाई, पी जो कल्डू डब्ल्यू बटा टी, मतलब किस कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम में जितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नॉर्मली पावर पर यूनिट टाइम में जो वर्डन होता है उसे क्या बोलते हैं, पावर। और पर यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कोई भी सर्किट कंज्यूम करती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इसकी यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, ये क्या करती है, जूल। और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो हम इसको लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, क्या कर सकते हैं, जूल पर सेकेंड। और क्या कर सकते हैं, जी हाँ, और लिख सकते हैं वाट, क्या लिख सकते हैं, वाट, ठीक है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कैसे होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर्स में रैंडमली मोशन करते हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है और वही काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है किसमें, हीट एनर्जी में। यह हुआ हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी से रिलेटेड है हमारा जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ने क्या बताया था, जूल्स अंकल ने यह बताया कि जो हीट होती है किसी भी कंडक्टर में जो प्रोड्यूस होती है वो एक्चुअल में जो होती है उसके उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड और उसमें जो क्या हो रहा है जितने टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है उसके क्या होते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो उसका सब कंबाइन फॉर्म में क्या निकला था, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये होता जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यही लिख सकते हैं, ये जो एनर्जी है आई स्क्वायर आर टी, या फिर कई चीज़ लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो गई, क्या हुई, एनर्जी। उसके बाद हमने पढ़ा पावर के बारे में, क्या पढ़ा, पावर के बारे में, कैसे पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है कि P इज इक्वल टू जितना पर यूनिट टाइम में आपने एनर्जी कंज्यूम किया कोई भी सर्किट उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पावर। अच्छा, फिर पावर को और अच्छे से कंबाइन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, P इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू। तो P इज इक्वल टू VQ अपॉन T हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, पीक वैल्यू और क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T। तो I इंटू टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो गया, तो P जो क्वेश्चन टू क्या आ गया, वी आई, क्या आ गया, वी आई। P की एक यूनिट, एक फार्मूला ये निकल गया, और निकल सकता है, V जो इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, V जो इक्वल टू होता है आई आर, है ना, और इंटू आई, ये क्या हो गया, पीक वैल्यू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर, ये भी एक फार्मूला निकल गया। अच्छा, आई की वैल्यू क्या होती है, वी अपॉन आई, तो रख दो हियर, आई जो इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई, रख दो। जब पी जो इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे पी जो इक्वल टू आएगा वी स्क्वायर अपॉन वी वाई आर होता है ना, यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये भी एक फार्मूला बचा। तो देखिए पी के कितने फार्मूले, ये निकले ये भी निकला और ये भी निकला। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप पी इज इक्वल टू क्या कह ले सकते हैं, पी इज इक्वल टू सकते हैं वी आई, ठीक है, फिर क्या ले सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर, फिर क्या ले सकते हैं, फिर ले सकते हैं डब्ल्यू बटा टी, ठीक है, फिर ले सकते हैं क्या, आई स्क्वायर अपॉन आर। इतना अगर आपने पढ़ लिया, इससे बाहर आपके क्वेश्चन
नहीं आएंगे। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। एक हॉर्स पावर में कितने वाट? 746 वाट। एक किलोवाट में कितने वाट? 1000 वाट। एक किलोवाट में कितने जूल? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सर, ठीक है, अभी हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो ठीक है, अभी आपकी क्लास होने वाली है बायोलॉजी की, एंजॉय करिए आप क्लास को। कुछ बचा हो चाहे और देख लेते हैं हम। ये हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, हो गया, चलिए ठीक है, ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और हाँ, जो बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और भाई दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ठीक है। क्या आप सोच रहे हो कि अगर हम पढ़ लेंगे हमारे दोस्तों को भी आ जाएगा? ऐसा नहीं किया जाता है ना। आप भी सीख लोगे, आपके दोस्त भी सीख लेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ भाई, आप इतना अगर पढ़ लिए इससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।